एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है, जहां पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं हैशटैग रोड टू बोट्स का सेकेंड डे है आज, और हम लोग करने वाले हैं द बॉल फोम। ऑल राइट गाइज, तो मैंने बोला था कि भाई हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं ना, जिसका नाम है हैशटैग रोड टू बोट्स। अब इसका क्या मतलब है भाई, हैशटैग रोड टू बोट्स का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि भाई हम लोग हाफ ईयरली से होते हुए, प्री बोट्स से होते हुए अपना रास्ता बोट्स तक लेकर जा रहे हैं। 10 दिन में मैं आपके हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म करा दूंगी, ऐसा मैंने प्रण लिया है। इन्हीं 10 दिनों में मेरा बर्थडे भी है, बट क्लास तो तब भी होगी। चलो, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं द बॉल पोम। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद योर क्वेश्चन आंसर्स। बॉल पोम में आज हम लोग करने वाले हैं बेटा जी वन शॉट के साथ साथ ही मैं आपको कराऊंगी पोएटिक डिवाइसेस। इसी के साथ साथ मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। तो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। कल जो हमारी हैशटैग रोड टू बोट्स की क्लास हुई थी, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज दी थी कल रात को ही। ऑल्सो आप लोग अलग अलग चैनल्स पे जाओगे, जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अलग अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग सर्च मत करना। जैसे कि वन शॉट 5 मिनट की वीडियो होगी, तुम लोग देखोगे अरे ये तो 5 मिनट की वीडियो है, इसे देख लेते हैं, बट उसमें केवल समरी होगा। फिर अलग जाओगे तो उसमें केवल पोएटिक डिवाइस होगी, फिर अलग जाओगे तो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इससे बेटर है कि एक फुल पैकेज वीडियो देख लो जिसमें आपका सारा काम हो जाए, जैसे कि ये। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों द बॉल को, ठीक है? सबसे पहले आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान में रखना है, नाम ध्यान में रखना है। अरे भाई ये रहा, ठीक है, जॉन बेरेमैन। ये जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में। तो मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा रही हूँ पूरा का पूरा। जॉन बेरेमैन नाम याद रखना है, जॉन बेरेमैन। ये एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर रह चुके हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स विच वॉज द सीक्वेंस ऑफ 385 पोम्स। तो इन्होंने 385 पोम्स लिखी थी जिनको ड्रीम सॉन्ग्स बोला गया, इनमें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award. आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनका नाम याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि द बॉल पोम किसने लिखी थी, तो आपको पता हो कि जॉन बेरेमैन ने लिखी थी, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब द पोएट जॉन बेरेमैन थ्रू हिज पोम द बॉल पोम हैड डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे। अब आप लोग ध्यान दो कि इस पोम का मैसेज क्या है, इस पोम के थ्रू जो पोएट है वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर बोला गया है बच्चों कि जो हमारे पोएट है जॉन बेरेमैन, उन्होंने अपनी कविता द बॉल पोम के थ्रू क्या बताने की कोशिश करी है, ये जो जिंदगी की सच्चाई है ना, और जिंदगी की सच्चाई क्या है, लॉस होना है ना, कि हमारी लाइफ में लॉस तो होगा ही। कभी वो लॉस हमारी फेवरेट चीज़ों का होगा, कभी वो लॉस हमारे फेवरेट लोगों का होगा, तो जिंदगी में दुख तो आएगा ही। तो दुख के सामने हमें खड़ा कैसे होना है, रोना हमें आएगा, वो नेचुरल है, परेशानियां हमें आएंगी, वो नेचुरल है, बट उनके सामने हमें डट के खड़ा कैसे होना है, ये इस कविता में बताया गया है, ठीक है? He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life. कि आपको कैसा खड़ा होना है, किसके प्रति, किसके खिलाफ खड़ा होना है, जो आपके दुख है, miseries है, sorrows है, उनके, ठीक है? तो overall वो इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीवन में हर किसी को एक ना एक दिन फेस करनी पड़ती है harsh reality of life, और वो harsh reality क्या है बच्चों, वो है loss, चीजों का, लोगों का हमसे दूर हो जाना। चलो तो यहां से बेटा जी आपकी कविता शुरू है, ध्यान देना है आप लोगों को बिल्कुल। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. मैंने आप लोगों के लिए नीचे समरी वाला पार्ट भी लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पोएट जो है वो एक लड़के को देख रहे हैं, वो लड़का छोटा सा है और वो बॉल से खेल रहा है। अब उसकी बॉल ना खेलते खेलते गिर जाती है और पानी में चली जाती है। तो उसी पूरे दृश्य को हमारे कवि ने, हमारे पोएट ने बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्या बोल रहे हैं वो,
बोल रहे हैं व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी अब वो क्या करेगा. आई सॉ इट गो, मतलब मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा. ठीक है, नीचे भी आप लोग पढ़ सकते हो. सी लिखा है द बॉय वॉज प्लेइंग इन अ स्ट्रीट, एक लड़का जो था वो स्ट्रीट में गली में रोड पे खेल रहा था. He has been playing happily with a ball. तो वो लड़का अपनी बॉल से बहुत ही खुशी से खेल रहा था. जैसे द बॉल वॉज बाउंसिंग अगैन एंड अगैन, मेरिली बाउंसिंग ना, मेरिली मतलब बहुत ही खुशी से वो खेल रहा था, और बाउंसिंग मतलब जब आप बॉल को ऐसे फेंकते हो तो बॉल ऊपर आती है ना. द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का बहुत खुश था. देन सडनली द बॉल वेंट इनटू अ पूल ऑफ वाटर, और एकदम से क्या हुआ बच्चों, जो बॉल है वो गिर के पानी में चली गई. The boy is not able to find. अब वो लड़का अपनी बॉल को ढूंढ नहीं पा रहा है, उसे बॉल मिल नहीं रही है. What will the boy now do? Poet बोल रहे हैं कि अब वो लड़का क्या करे. ठीक है, यहाँ पर इसके जरिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा मैसेज दे रहे हैं जो आपको आगे पता चलेगा. तो लाइन बाय लाइन समझ लो कि what is the boy now who has lost his ball? कि वो लड़का जिसने अपनी बॉल अब खो दी है वो क्या करेगा. मैंने बॉल को जाते हुए देखा, बहुत ही खुशी से वो लड़का खेल रहा था, बाउंस कर रहा था है ना स्ट्रीट पे, एंड देन तभी बॉल कहाँ चली गई, पानी में चली गई. चलो अब अगर बेटा जी इसके लिटरेरी डिवाइस हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो. तो सबसे पहले है यहाँ पे एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है बच्चों, देखो मैं बताती हूँ. एनाफोरा होता है जब आपके लाइंस जो ऊपर नीचे वाली जो कंसेक्यूटिव लाइन होती है उनके स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो सेम होता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हो व्हाट व्हाट, मेरिली मेरिली, तो स्टार्टिंग का ऊपर नीचे का अगर वर्ड सेम है तो वो है आपका एनाफोरा. इसलिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एनाफोरा. यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू और मोर लाइन, व्हाट और व्हाट रिपीट हुआ है, मेरिली और मेरिली रिपीट. ठीक है, नेक्स्ट एसिडेंस. एसिडेंस क्या होता है, मैंने एक पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए भिजवाया था जिसमें मैंने आपको एसोनेंस समझाया था है ना, रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड. अगर किसी को नहीं पता क्या होता है मैं अभी भी बता रही हूँ, पर प्लीज जाकर आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लेना. फिगर ऑफ स्पीच का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी. ठीक है, तो वो आप लोग जरूर देख लेना ताकि आपको सारी पोएटिक डिवाइस याद हो जाए, बिकॉज पोएटिक डिवाइस हर कविता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा. तो एसोनेंस क्या है, जब भी कोई वॉवल साउंड रिपीट होता है, तो अगर आप यहां ऊपर वाली लाइन में देखोगे तो ओ साउंड रिपीट हो रहा है. अब ये चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, हमें मतलब नहीं है, बस ये एक वॉवल साउंड होना चाहिए जो बार बार रिपीट कर रहा है हमारी लाइन में. तो यहां पर आप देखोगे ओ ओ ओ ओ, बार 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 रिपीट कर रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है. नेक्स्ट है इमेजरी. इमेजरी क्या होता है, जब पोएट इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करे कि हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाए, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, तो उसको बेटा जी हम लोग इमेजरी बोलते हैं. तो व्हेन पोएट सेज मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट है ना, जब पोएट ये लाइन बोलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि एक बच्चा है और वो खेलते हुए स्ट्रीट पे जा रहा है. नेक्स्ट है बेटा जी रिपीटेशन. रिपीटेशन मतलब जब एक ही वर्ड को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, तो व्हाट वर्ड आप देख सकते हो यहाँ पर रिपीट हुआ है एक ही लाइन में, व्हाट व्हाट है ना, एक ही लाइन में एक वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज योर रिपीटेशन. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बात हो रही है. ऑल राइट, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कुछ important word meanings. ठीक है, तो यहाँ पर shaking का मतलब क्या है, आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है disturbing. ठीक है, बहुत ही ज्यादा disturb हो जाना, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाना. grief का मतलब हम सबको पता है बहुत ज्यादा दुख. ultimate का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ultimate है ना, इसका मतलब है extreme, यानी कि बहुत ज्यादा. ठीक है, एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज्यादा. ठीक है, आगे देखो रिजिड. रिजिड मतलब क्या होता है, मोशनलेस. रिजिड मतलब बिल्कुल यू खड़ा है, कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल एक जगह खड़ा है तो वहां खड़ा ही हुआ है. ठीक है, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे बिल्कुल कपकपाना, शेक करना एकदम से.
ठीक है बच्चे। और हार्बर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां पर यू नो शिप्स वगैरह खड़ी होती है, वाटर साइड आप बोल सकते हो, जहां पर पानी हो, ठीक है। और इंट्रूड मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना। मैम इतने सारे वर्ड मीनिंग बता दिए, ओहो अब कैसे होगा, हो जाएगा कोई बात नहीं। अच्छा अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है, वैसे तो होगा, अगर ये थोड़ा सा लाइट है तो मैं पीपीटी भेज दूंगी तो तुम लोग देख लेना, ठीक है, वैसे तो होगा विजिबल। ऑल राइट, एक्चुअली मैंने ना नया कैमरा ऑर्डर कर रखा है, ठीक है, तो वो बस आने वाला है 2-4 दिन में, तो वो लग जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी इस कैमरा में ना थोड़ा जुगाड़ बिठाना पड़ता है मेरे को। चलो तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब बात क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि एक बॉल ही तो गई है, मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई तेरे लिए मैं दूसरी बॉल ला देता हूँ। यही करते हैं ना घर वाले भी, अगर कोई खिलौना टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, बोलते भाई हम तेरे लिए दूसरी ला देते हैं। बट पोएट बोल रहे हैं इट वॉज ऑफ नो यूज टू सजेस्ट टू बाय अ न्यू बॉल, नई बॉल उसे सजेस्ट करने का, बोलने का कोई यूज नहीं है कि भाई हम तुझे नई बॉल ला देंगे, नहीं। द बॉय सीम्स टू हैव अ इमोशनल अटैचमेंट विद हिज ओल्ड बॉल, कि पुरानी बॉल के साथ उसका कुछ अटैचमेंट है, वो अटैच है, उसका लगाव है उससे, है ना। आप उसे नई बॉल ला दोगे बट वो सेम लगाव उसका उससे नहीं होगा जो उसकी पुरानी बॉल के साथ था। तो लड़का बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि उसने वो खो दिया, वो मोशनलेस खड़ा है, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं है, बस यू वो खड़ा हुआ है, एकदम से कप कपा रहा है और केवल उसी डायरेक्शन में देख रहा है जहां उसकी बॉल जा चुकी है। उसे लग रहा है कि उसके सारे प्लेफुल डेज, सारे खेलने वाले दिन भी उसी बॉल के साथ जा चुके हैं। आई डू नॉट हैव द करेज टू डिस्टर्ब हिम, पोइट क्या बोल रहे कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे जाके इंट्रूड करूं, मैं उसे जाके डिस्टर्ब करूं, क्योंकि वो अपनी सोच में डूबा हुआ है, वो देख रहा है कि अरे ये क्या हो गया। आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड, पोइट बोल रहा है मैं जाकर उसे सिंपथी दे सकता था, मैं जाकर उसे पैसे भी दे सकता था कि भाई ले तू ये नई बॉल खरीद ले। बट पोइट क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि वो जो लड़का है वो इस बात को समझे कि इन लाइफ समटाइम्स वन नीड टू बेयर लॉस ऑल्सो, कि लाइफ पूरी अच्छी नहीं है, लाइफ में आपको कभी कभी लॉस भी सहना पड़ेगा। तो वो चाहते थे वो लड़का इस बात को समझे, क्योंकि एक ना एक दिन हर कोई इस बात को समझेगा। क्लियर है, तो एक बारी लाइन बाय लाइन देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है उसको बोलने का कि ओ देर आर अदर बॉल्स, कि भाई बाकी बॉल्स हैं, हम तो जो दूसरी बॉल ला देंगे, कोई फायदा नहीं है। वो बोल रहे हैं अल्टीमेट यानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला दुख अभी लड़के में समा रखा है, बहुत ही ज्यादा दुखी है वो। वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, बिल्कुल यू खड़ा है, उसी डायरेक्शन में देख रहा है जहां उसकी बॉल गई है, कांप रहा है, स्टीयरिंग मतलब घूर रहा है, उसी डायरेक्शन को घूर रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसके सारे यंग डेज, और क्योंकि ये टेंशन आ गई है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहली बार एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि किसी चीज का खोना क्या होता है, लॉस क्या होता है ना। तो अब उसके वो जो केयर फ्री डेज थे ना, वो सारे के सारे चले गए, राइट। जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, है ना, तब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, कोई भी, राइट। बट जैसे हम लोग बड़े होते हैं, मेरी उम्र तक आते हैं, लाखों चिंताएं आ जाती है, फिर याद आता है यार वो दिन भी क्या दिन थे, है ना, वो स्कूल के दिन बड़े मस्त थे। तो वो जो एक ट्रांजिशन है ना स्कूल के दिन से इन दिनों में, तो इन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब आपको एहसास होता है कि हाँ अब मेरे को समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही वो जो लड़का है, उसे लग रहा है भाई उसके जो सारे यंग डेज थे वो अब चले गए हैं, हार्बर में पानी में ही चले गए हैं जहां पर उसकी बॉल गई है। और ऑथर क्या, पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको इंट्रूड यानी कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्लियर, चलो ऑलराइट, आगे देखो क्या बात हो रही है। अ डाइम, डाइम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा ही, थोड़े पैसे, ठीक है, 10 सेंट्स। अनदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मतलब क्या है बच्चों, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, यानी कि चीजें, ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, कार हो गया, फोन हो गया, सब क्या है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, तो उसी को पोजेशन बोला गया है। People will take balls. Balls will be lost always, little boy. अभी देखो क्या बात हो रही है।
पोइट बोल रहे कि उस बॉल की जो कीमत है ना वो बहुत ही कम और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना। तो नई बॉल लाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत ही सस्ते में नई बॉल आ जाएगी। बट नाउ ही इज फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, कि नई बॉल लाना तो बहुत छोटी बात है, आ जाएगी। बट अब उस लड़के को एहसास हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी का, कि क्या होता है चीजों को संभाल के रखने का। मतलब पीपल विल से दैट अ न्यू बॉल कैन बी बॉट, पोइट बोल रहे हैं तो लोग तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे क्यों रो रहा है, नई बॉल आ जाएगी। पर क्यों बोलेंगे लोग ऐसा? बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स इन बाइंग मटीरियल्स, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गया है, है ना। फोन हो गया, नया ले लेते हैं। ड्रेस खराब हो गई, नई ले लेते हैं। ये खराब है, नए ले लेते, ऑब्वियसली नहीं तो लेने पड़ेंगे ना, खराब है तो। बट स्टिल अगर हमारे पास है भी तो भी हम बिलीव करते हैं चीज़ों को खरीदने में, राइट। तो यही पोइट बोल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये मटीरियलिस्टिक हो गया है, ठीक है। बट द लिटिल बॉय थिंक्स दैट द न्यू बॉल विल नॉट बी सेम एज इज ओल्ड बॉल, नई बॉल तो आ जाएगी बट वो नई बॉल उसकी पुरानी बॉल की जगह नहीं ले। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अ डाइम, डाइम मतलब एक छोटा सा अमाउंट, है ना, वो दूसरी बॉल ले आएगा बट वो वर्थलेस होगी, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि अब उस लड़के को उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है कि उसे अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भरा है, इसमें लोग बोलेंगे ही कि दूसरी बॉल ले आते हैं, बॉल तो खोती रहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्या करता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करता है। आगे देखो, इसमें लिटरी डिवाइस है बच्चों, रिपीटिशन, ठीक है। बॉल वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, तो एक ही लाइन में एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिशन है। ऑल्सो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन क्या होता है मैंने आपको समझाया था, जब एक ही लाइन में स्टार्टिंग का जो लेटर है उसका साउंड बार 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 सेम हो, राइट। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो बी साउंड है ये स्टार्टिंग में यहाँ पर भी स्टार्ट में, यहाँ पर भी बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। लॉस्ट लिटिल में भी एल एल रिपीट हो रहा है, ऐसे आप ऊपर देखो तो यहाँ पर पी और पी रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों लास्ट लाइंस में हमारा एलिट्रेशन यूज हो रखा है, ठीक है, लास्ट टू लाइंस में एलिट्रेशन यूज हो रखा है। आगे देखो बच्चों क्या बात हो रही है, ये वाला जो आपका स्टैंजा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, He is learning well behind his desperate eyes. यहाँ पे desperate का मतलब क्या है? Hopeless. यहाँ पे desperate का मतलब है बिल्कुल निराश हो जाना, बिल्कुल दुख भरी आंखें। The epistemology of loss. Epistemology क्या होता है? The true meaning of knowledge. किसी चीज का सही मतलब, epistemology मतलब किसी भी चीज का सही मतलब। तो यहाँ पर लिखा है the epistemology of loss, मतलब loss का सही मतलब। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सही, ठीक है, ट्रू मीनिंग ऑफ फीलिंग्स या ऑफ नॉलेज, ट्रू नॉलेज ऑफ समथिंग आप बोल सकते हो। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड, समझना, खड़े होना, चीजों को एक्सेप्ट करना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो बोला जा रहा है कि जो लड़का है उसे समझ आ गया है कि कोई भी वो सेम बॉल वापस नहीं ला सकता। लोग उसको वादे कर सकते हैं कि हम तुझे नई बॉल ला देंगे, हम तुझे फलाना ला देंगे, बट वो सेम बॉल, वो सेम इमोशंस कोई भी बेटा जी उसके लिए वापस नहीं ला सकता, ठीक है। मनी इज एन एक्सटर्नल एस्पेक्ट टू इमोशन, बोला यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल मतलब मनी बाहर की बात है यार, मनी को आप इमोशन से नहीं तोल सकते। अगर कोई चीज आपके जिगर के टुकड़े की तरह है और वो खो जाए तो ऐसा नहीं है कि पैसे से वो सेम चीज, वो सेम इमोशंस आ जाएंगे। तो मनी पैसा बाहर की बात है, पैसा एक्सटर्नल बात है। ही इज लर्निंग दिस ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो अब उसे ये सच्चाई जीवन की समझ में आ रही है, ऐसे पोएट बोल रहे हैं। ये जो लर्निंग है ना, ये जो वो सीख रहा है, आप उसकी आंखों में देख सकते हो। उसकी आंखों में अभी आपको क्या दिखेगा? फुल ऑफ सोरो दिखेंगी, पूरा दुख दिखेगा। He is trying to understand the meaning of loss. वो समझने की कोशिश कर रहा है। क्या समझने की कोशिश कर रहा है? कि loss का मतलब क्या होता है और कैसे हमें उस loss को tolerate करना है, कैसे हमें loss को सहना है।
वन डे एवरी वन विल अंडरस्टैंड हाउ टू बियर द लॉस, कि एक दिन ये कि सबको सीखना है, है ना। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कुछ खोया ना हो, चाहे वो इंसान हो या चीज हो। तो एक ना एक दिन हर इंसान को, जितने भी इंसान इस धरती पर हैं, सबको सीखना है कि भाई लॉस को हमें कैसे सहना है। सम पीपल हैव अंडरस्टूड मेनी डेज बिफोर, कुछ लोग ये पहले ही समझ चुके हैं, कुछ लोग अभी समझ रहे हैं और कुछ लोग समझ जाएंगे। समझ में आया कि भाई हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, है ना, तो क्या हम उन्हें वापस ला पाते हैं? नहीं। हमें उस वक्त क्या करना होता है? केवल सहना होता है, केवल हम सीख रहे होते हैं कि कैसे हम उस दर्द को बर्दाश्त करें, कैसे उस दर्द को हम टॉलरेट करें, है ना। तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि ये लॉस हर कोई सहेगा, कुछ ने सह चुके हैं, कुछ सह रहे हैं, कुछ सहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लाइन बाय लाइन देखो तो लिखा है नो वन बायज अ बॉल, कोई भी उसकी वो वाली बॉल को वापस नहीं ला सकता। पैसा एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक बाहर की बात है, ठीक है, वो अभी सीख रहा है और ये लर्निंग आप उसकी आंखों में देख सकते हो, है ना। ये जो लॉस है कि कैसे लॉस को टॉलरेट करना है, कि कैसा कैसे पैसा जो है वो बाहरी बात है, ये लर्निंग वो सीख रहा है और ये आप उसकी आंखों में फुल ऑफ सोरो जिसमें भरा हुआ है वो देख सकते हो। जो ट्रू नॉलेज है लॉस का, है ना, कि असल मायने में लॉस क्या होता है, किसी को खोना क्या होता है, वो आप देख सकते हो कि वो सीख रहा है, कैसे सहन करते हैं, कैसे समझते हैं लॉस को, वो अभी सीख रहा है। हर कोई, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर कोई ये चीज सीखेगा और कुछ लोग पहले ही सीख। क्लियर गाइस? तो आई होप दैट्स क्लियर। अगर इसकी लिटरी डिवाइस आप लोग देखोगे तो सबसे पहले एलिट्रेशन यूज हुआ है बाय द बॉल बैक में, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर ही यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है, बी से शुरू हो रहा है, ये भी बा बा, तो ब का साउंड बी 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 रिपीट हो रहा है, दिस इज योर एलिट्रेशन। एसोनेंस यूज हुआ है, एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी सेकेंड लाइन है उसमें ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये वॉवल कहीं पर भी आए, बीच में आए, कहीं पर भी आए, बस एलिट्रेशन में शुरू में आता है, एसोनेंस में कहीं पर भी आए। तो यहाँ देखो, आप लोग ब्लू पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या देखो, ई ई अगेन ई, है ना, बहुत बार ई रिपीट। तो इस पूरी लाइन में आपका क्या यूज हुआ है बेटा जी? एसोनेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेशन, बॉल वर्ड को रिपीट करा गया है बार 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 बार, ठीक है। नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइमिंग स्कीम इसमें कोई भी नहीं है। अगर कोई बोले कि इस कविता में राइमिंग स्कीम क्या है, बोलना नो राइमिंग, फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती उसे बोलते हैं फ्री वर्स, ठीक है। सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉलोड इन दिस पोएम, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कविता थी, फटाफट से मैं आपको एक बारी समरी भी दे देती हूँ। पोएट जो है वो एक छोटे बच्चे के जरिए हमें जिंदगी की सच्चाई समझाना चाहते हैं। वो ये सच्चाई समझाना चाहते हैं कि भाई हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी लॉस, कभी ना कभी किसी चीज़ का जो लॉस है वो सहना पड़ता है, वो बेयर करना पड़ता है, और ये एक ऐसा दुख है जो इंसान को खुद ही करना पड़ता है, इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय, वो एक छोटे से लड़के की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है। वो जो लड़का था वो बॉल के साथ खेल रहा था, बॉल उसके हाथ से गिरती है और जाके हार्बर में चली जाती है, यानी कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर समुद्र में चली जाती है। अब जो पोएट है बोलते हैं कि वो ये सब देख रहे होते हैं, ठीक है, कि लड़के ने अपनी फेवरेट बॉल खो दी, एंड वो ये सब देखते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है लड़के के लिए, ठीक है। एंड आगे बोलते हैं, ही फर्दर सेज दैट बॉय वॉज हेल्पलेसली, कि वो चाहकर भी अपनी बॉल वापस नहीं ला सकता था, बॉल उसे नहीं मिल रही थी, तो वो मजबूर होकर बेचारा एक ही डायरेक्शन में देखे जा रहा था जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। वो बहुत उदास था और डर के मारे कांप रहा था। ही गॉट सो इमर्स्ड इन हिज सॉरो, वो लड़का इतना ज्यादा डूब गया अपने गम में, इतना ज्यादा सोचता रहा वो, कि वो वहीं खड़ा रहा बहुत ही लंबे समय के लिए और अपनी बॉल की तरफ ही देखता रहा।
पोएट बोलते हैं कि मैं जाकर उसे कंसोल कर सकता था, कंसोल मतलब उसे थोड़ा सा यू नो मोटिवेट कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो लड़का अपनी लाइफ की लर्निंग सीख रहा है, वो सीख रहा है कि कैसे लॉस को सहना है, कैसे चीज़ों को संभालना है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीख रहा है। ठीक है, मैं उसे ये भी बोल सकता था कि तुझे नई बॉल मिल जाएगी, या मैं उसे पैसे भी दे सकता था दूसरी बॉल खरीदने के लिए, बट पोएट बोलते हैं मैंने ऐसा नहीं करा, बिकॉज मनी क्या है, मनी नई बॉल तो ला देगी, बट मनी वो इमोशंस नहीं ला पाएगी, वो मेमोरीज नहीं ला पाएगी, वो फीलिंग्स नहीं ला पाएगी, है ना, पैसा ये सब नहीं ला पाएगा। वो आगे बोलते हैं कि जो टाइम है, अब वो टाइम आ गया इस लड़के के लिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, अब उसके केयर फ्री डेज चले गए हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहा है, नहीं, अब वो टाइम आ गया है कि उसे फील हो कि कोई चीज खोती है तो कैसा लगता है। इधर पोएट बोलना चाहते हैं कि अब जो बॉय है वो अपनी लाइफ का टफेस्ट लेसन सीखेगा कि कैसे उसे लॉस को सहना है, बेयर करना है। ठीक है, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लूज आवर लव्ड वंस एंड आवर लव्ड थिंग्स। तो ये जो लेसन है ना, ये जो सीख है, ये जो हार्श रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, कि एक ना एक दिन हमसे हमारी सारी चीजें, सारे लव्ड वंस यूं ही बिछड़ जाएंगे, ये अब वो लड़का एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, आपको कमेंट करके मुझे आंसर करने हैं। हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोम, पहला क्वेश्चन है, पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद, लड़का किसके साथ खेल रहा है। नेक्स्ट है, बॉल उसकी कहां पर जाती है। तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे मेरे लिए। अभी हम लोग करते हैं कुछ बेटा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, लड़के को क्या हुआ है। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, इसलिए इसको सीरियसली लेना है। लड़के को क्या हुआ है, द बॉय वॉज वेरी सैड एज ही हैड लॉस्ट हिज बॉल। पूरा आपको आंसर लिखना है, वन वर्ड में आंसर लिखकर कतई मत आना, ठीक है, कि आकर बोलो मैम पेपर फोड़ा है, वन वर्ड में लिखा है, नहीं, इन टाइप के आपको क्वेश्चन में पूरा आंसर लिखना है, पूरा लाइन में। तो लड़का बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है। Why does the poet say no use to say there are other ball? Poet ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई ये लाइन बोलने का कोई फायदा नहीं है, कि बाकी और भी बॉल मिल जाएंगे, बोलने का फायदा क्यों नहीं है, ये बताओ। तो द पोएट से सो एज द लॉस ऑफ द बॉल इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि जो बॉल इसने खोई है ना वो बहुत बड़ी बात है, उसकी फीलिंग्स उससे अटैच है। तो अगर मैं जाकर बोल भी दूं कि अरे यार तुझे तो कोई और बॉल मिल जाएगी, या मैं पैसे दे दूं, उस बात का कोई फायदा नहीं है उसके। ठीक है, नेक्स्ट, हैप्पीली बोला है, हैप्पीली का सिनोनियम बताओ, सेम वर्ड, तो हैप्पीली और मेरिली इज द सेम वर्ड। वेयर डिड द बॉल गो बच्चो, तो आप लिखोगे द बॉल वेंट इन टू द वॉटर, ठीक है, या इन टू द हार्बर भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेयर हैड द बॉयज बॉल गॉन, तो सेम, इन टू द हार्बर, इन टू द वॉटर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ हैज द लॉस अफेक्टेड द बॉय, तो इस लॉस का लड़के पर क्या असर पड़ा, बॉय पर क्या असर पड़ा, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड, पहली बात तो वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। दूसरा, आप थोड़ा सा पोम में से ही लाइन ले लोगे कि भाई ही स्टैंड स्टिल, बिल्कुल बिना हिले वो खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, है ना, कांप रहा है, एंड स्टेयरिंग एट हिज बॉल, और घूर रहा है अपनी बॉल को। नेक्स्ट, व्हाई वाज ही ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, अब यहाँ पर लिखा था ना रिजिड, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो बोला गया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो सिंपल सा आंसर है भाई, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट देखो बच्चों, व्हाट डज द पोएट मीन बाय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोएट का क्या मतलब है। तो आप बोलोगे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका मतलब है टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली, कि वो अपनी चीजों का ख्याल रखे, है ना, अपनी चीजों को संभाल के रखे, ये मतलब है। नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड, लड़के को अब क्या समझ में आ रहा है, सो द बॉय लर्न्स टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लड़का सीख रहा है कि कैसे उसे अपनी जिम्मेदारियों को एहसास में लेकर रखना चाहिए। व्हाट डज द वर्ड बॉल सिग्निफाई, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि कुछ बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन आंसर धीरे कराओ, बेटा क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, ठीक है, मैं आपको एक एक ऐसे नहीं बोल सकती कि दिस इज ब,
कॉल अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये लेक्चर 3 घंटे का हो जाएगा और दूसरा आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो जब मैं आपको समझा रही होती हूँ तो लाइव चैट में बातें छोड़कर आप लोग ध्यान दिया करो कि ताने मैम क्या बोल रही है, ठीक है। और उसके बाद जब ढंग से सुन लो तो इसे बैठ के याद किया करो कि जो कविता है, जो पोम है, वो मैं आराम आराम से ही समझाती हूँ, बट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको याद खुद ही करने हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैं देख रही थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 बोल रहे थे मैम प्लीज क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर, तो लाइक बेटा कि आपको मैं चैप्टर पोम धीरे धीरे समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स का मैं एक ओवरव्यू दूंगी कि हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, याद तुम्हें ही करने, ठीक है। तो व्हाट डज द बॉल सिग्निफाई, आप बोलोगे बॉल सिग्निफाई, बॉल क्या दर्शाती है, बॉल दर्शाती है बच्चों लड़के का इनोसेंस एंड हैप्पी यंग डेज, है ना, हैप्पी यंग डेज के भाई केयर फ्री वो मस्ती में खेल रहा है, तो ये दर्शाती है, ये याद कर लेना, इनोसेंस उसकी मासूमियत एंड हैप्पी यंग डेज। नेक्स्ट पोजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप बोलोगे पोजेशन का मतलब है समथिंग दैट इज ओन, कोई चीज जो हमारी है, पोजेशन का मतलब चीजें, थिंग्स जो हमारी है। नेक्स्ट व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है, इस फ्रेज का क्या मतलब है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, तो इसका मतलब है दैट एवरीबडी लव टू पोजेस थिंग और मटीरियल इन देयर नेम, कि सबको चीजें खरीदना, अपने लिए चीजें लेना इस दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द बॉय लर्निंग, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना, तो वो क्या सीख रहा है, आप बोलोगे द बॉय इज लर्निंग टू कॉप अप विद द लॉस, कि कैसे उसे लॉस को सहन करना है, कैसे उसे लॉस को बेयर करना है, ये सब वो लड़का सीख रहा है। व्हाई आर द बॉयज आईज डेस्परेट, लड़के की आंखें इतनी डेस्परेट क्यों है, इतनी सौरो में डूबी हुई क्यों है, बिकॉज ही सैड, क्योंकि वो उदास है, क्योंकि उसकी बॉल हमेशा के लिए बच्चों चली गई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का क्या मतलब है, ये आप बच्चों को याद रखना है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ट्रू नॉलेज, किसी चीज का सही ज्ञान, सही पहचान, सो इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, ठीक है, कि लॉस सही मायने में क्या होता है। व्हाट एवरी मैन नीड्स टू नो वन डे, कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को एक ना एक दिन समझ में आएगी ही बच्चों, सो एवरी मैन नीड्स टू नो वन डे दैट लॉस में ऑकर टू हिम, हर आदमी को समझ आएगा कि भाई लॉस तो होगा ही, चीजें तो जाएंगी, इंसान तो हमारे जाएंगे ही, हमें उन्हें सहन करना है, उनसे कॉप अप करना है, उन्हें बेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, लिखा है व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंटरव्यू ऑन हिम, पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं उसे जाकर इंटरव्यू नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, क्यों पोएट उसे दूसरी बॉल ऑफर नहीं कर रहा, दिलवा नहीं रहा, सो द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू इंटरव्यू, क्यों नहीं करना चाहता वो डिस्टर्ब, ताकि बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ताकि वो लड़का जिंदगी की सच्चाई समझ सके। अभी जाकर अगर मैं उसे बोल दूं अरे बेटा कोई बात नहीं नई बॉल ला देंगे, तो उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा कि जब भी चीजें खोती है तो नई चीजें ला दी जाती है मेरे लिए, राइट और रॉन्ग, है ना। बट अगर वो लड़का खुद से रियलाइज कर रहा है कि हाँ भाई मुझे संभाल के रखना था, अब तो चली गई, अब मुझे उससे कैसे कॉप अप करना है, दो चीजें वो सीख रहा है, तो पोएट चाहते हैं कि वो जीवन की सच्चाई सीख ले, He must learn to accept the loss. वो सीख ले कि कैसे उसे लॉस को एक्सेप्ट करना है, और लॉस का यहाँ पे क्या मतलब है, लॉस का यहाँ पे मतलब केवल बॉल से नहीं है, लॉस का मतलब है कोई भी जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लोग है ना, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, राइट मजाक वाली बात नहीं है, लाइक सीरियसली होता है ना ब्रेकअप, रिलेशनशिप टूटते है ना, फ्रेंड्स का ब्रेकअप होता है ना, दोस्तियां टूट जाती है ना, क्या होता है, सहम करते हैं ना, राइट, वी एक्सेप्ट इट के हाँ होगा, ठीक है ना, और फिर हम उससे मूव ऑन करते हैं, डिफिकल्ट होता है वो भी, है ना, बट हम उससे सीखते हैं कि कैसे हमें उसे सहन करके आगे बढ़ना है। टियरिंग डाउन ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको ये लाइन पढ़ के लगता है कि जो बॉल थी वो लड़के पर काफी समय से थी, क्या उसकी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं द बॉय हैड द बॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि शायद वो बॉल उस लड़के के पास बहुत टाइम से थी, ठीक है। ये जो लाइन है ये खुद ही डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ द बॉय रिकॉल्स दोज डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉल, लिखी है ना वो लाइन कि ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर,
कि उसके सारे प्लेफुल डेज ही चले गए हों। तो इसी लाइन से हमें पता चलता है कि कैसे शायद ये बॉल बहुत ही ज्यादा लंबे समय से उसके पास थी, है ना, और वो क्या कर रहा था, इससे काफी समय से खेल रहा था, तो अब वो बॉल चली गई है तो उसे लग रहा है वो सारे दिन भी चले गए हैं। बॉल ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी मेमोरीज से भी लिंक्ड थी। नेक्स्ट, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, इसका क्या मतलब है, ये हमने अभी भी देखा था बच्चों, इसका मतलब है दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं, वो चीजें जो हमें कंफर्ट दिलाती है, लग्जरी दिलाती है, सोफा हो गया, बेड हो गया, फलाना हो गया, ये सारी क्या है, मटीरियलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड दैट सजेस्ट, क्या आपको लगता है लड़के ने और भी कुछ खोया है? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी कविता में वर्ड है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है भाई, पहली बार, हरा, तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि उसने कभी भी कुछ पहले खोया है, ये फर्स्ट ही चीज है जो उसने खोई थी। नेक्स्ट, वेयर डज द, व्हाट डज द पोएट से दैट बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, इससे पोएट का क्या मतलब है, ना कि लड़का जो है वो बॉल के लॉस से सीख रहा है, तो पोएट का मतलब है दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ, कि लड़का रियल ट्रूथ असली सच्चाई सीख रहा है जिंदगी की, है ना, वो सीख रहा है कि कैसे लॉस हो गया उसके बाद भी मूव ऑन करना है लाइफ में, कि अब तो बॉल चली गई, अब मूव ऑन कैसे करें लाइफ में, वो सीख रहा है। हर कोई इस दर्द को एक्सपीरियंस करता है जब कोई अपनी चीज खो देता है या किसी अपने लव्ड वन को खो देता है, तो ये एक हार्श रियलिटी है कि लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक, है ना, कि जो चीजें चली जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती, बट हाँ उसी से हम लोग स्ट्रांग बनते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम स्ट्रांग बनते हैं, राइट। और बच्चों ऐसा आपके साथ भी होगा, सॉरी अब ठीक नहीं हो पा रही यार, ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी होगा, लाइफ में आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, आएंगे जाएंगे, ठीक है, और ये सुनने में आसान लग रहा होगा आएंगे जाएंगे, बट वो जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, कभी कभी तो वो आप ही का डिसीजन होगा कि आपको उन्हें भेजना है, है ना, तो बट आप उन्हीं से स्ट्रांग बनोगे, जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे आप स्ट्रांग बनोगे, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ, मैं जिस प्लेटफॉर्म से आई हूँ वहां पर मेरे बहुत अच्छे एक दो दोस्त थे, बहुत अच्छे, एकदम ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स टाइप, उनके अलावा कोई दोस्त ही नहीं था मेरी लाइफ में, है ना। बट जब मैं वहां से निकली तो उन्होंने मुझे एक कॉल भी नहीं करा, उन्होंने पूछा भी नहीं कि तू कैसी है, तू कहाँ है, तू रो रही है, या तुझे किसी चीज की जरूरत है, या तू अकेले कैसे टैकल कर रही है, उन्होंने नहीं पूछा, नहीं किया, है ना। फिर उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले उनका कॉल आया कि मिलने, तो मैंने बोला नहीं, खुशी मुझे बहुत हुई कॉल देख करके, वो फाइनली, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई दोस्त ही नहीं था, कोई दोस्त ही नहीं, लाइफ इज खाली, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपकी दोस्तों की लिस्ट कम होती जाती, मैंने दोस्त बनाए नहीं उनके अलावा कोई, है ना, वो ट्रस्ट ही नहीं दिया मैंने। बट 4 दिन पहले उनका कॉल आया कि मिलना, पहले मैंने बोला हाँ हाँ, आई वॉज एक्साइटेड, फिर मैं बैठ के सोचा, मैंने कहा नहीं, जब मुझे जरूरत थी तब कहाँ थे, तो अभी मैं जाके मिलके लड़के क्या फायदा, क्यों अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करूं मैं, है ना, क्यों किसी को अपना पॉइंट समझाऊं। तो मैंने कॉल करा, मैंने बोला नहीं मिलना, सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस ट्रुथ, है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दिस इज लाइफ, इसमें लॉस तो होगा ही, एंड वी नीड टू मूव, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पोएट भी बता रहे हैं, और वही चीज आपकी लाइफ में भी होगी, तो स्टे, ऑलराइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द जॉन बेरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोम, ये प्रीवियस ईयर आ चुका है कि इस कविता के जरिए जॉन बेरीमैन क्या कन्वे करना चाहते हैं। वो कन्वे करना चाहते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्या कन्वे करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी लाइफ में लॉस का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, कि सबकी लाइफ में लॉस होता ही होता है, और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वी ऑल शुड लर्न आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कॉप अप विद लॉस, हम सबको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें लॉस से कॉप अप करना है, उसे सहना है। नेक्स्ट, मनी इज एक्सटर्नल, इसका क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मतलब है बच्चों, द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इमटीरियल। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैनॉट बाय मेमोरीज,
ना जो पैसा है, ना तो वो मेमोरीज ला सकता है, ना ही वो रिप्लेस कर सकता है उन चीजों को जिनसे हम प्यार कर सकते हैं। पैसा हमें नई चीजें जरूर दिलवा सकता है, बट जो हमारे पास थी वो नहीं ला सकता, है ना। बचपन में मेरे पास अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री बॉक्स थे, अलग अलग, बहुत सबसे ज्यादा यूनिक किसी पे ज्योमेट्री बॉक्स थे पूरी क्लास में, तो वो मेरे पास, वो बस वाला, अब तो बहुत कॉमन है, बट पहले वो नया नया निकला था, फिर एक ऐसे वाला भी था, है ना, पता नहीं मेरी मम्मी ने किसको उठा कर दे दिया है वो, पता नहीं, बट वो सारी मेमोरीज वापस नहीं ला सकता पैसा, राइट। तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट, हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, लड़के को कैसा फील हो रहा है हमने बॉल के लॉस पे, भाई पूरी पोम में यही पढ़ा है हमने। द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, नंबर वन, ये वर्ड याद कर लो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड फील कर रहा है लड़का, ही एक्सपीरियंसेस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज मच लव्ड पोजेशन, ठीक है, बहुत दुख उसे फील हो रहा है क्योंकि जो चीज, पोजेशन यानी थिंग, जो चीज थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो अब जा चुकी है, एक स्टैचू की तरह वो वहां खड़े होकर घूर रहा है, एंड उसकी आईज डेस्परेट है, यानी कि फुल ऑफ सॉरो। क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। टेलीग्राम पे मैं PDF भेज दूंगी, क्वेश्चन आंसर याद कर लेना कल की क्लास से पहले, कल आएगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से आएगा चैप्टर का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई गेस द मिडनाइट विजिटर, ठीक है गाइस। चलिए, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, डू शेयर एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताया करो चैनल के बारे में। मैं आप सभी से मिलूंगी कल, कल हमारी लाइव क्लास भी है ना, वेंसडे को हमारी लाइव क्लास भी है 9 बजे, मैं तब भी मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।